हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक एप्पल की ऑल इन वन मशीन आई है जिसका मॉडल है, मैं आपको बता देता हूँ मॉडल क्या है। इसका मॉडल कहाँ लिखा होता है मैं इसमें आपको बता देते हैं। इसका मॉडल यहाँ नीचे की तरफ हमारे जो स्टैंड होता है उस पर लिखा रहता है, जिसका मॉडल है A1419। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये प्रॉब्लम डेड में है, इसे जब हम ऑन करते हैं तो हमारी मशीन ऑन नहीं होती है। ये हम ऑन करते हैं इसको तो ये ऑन नहीं हो पाती है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, हमारा फैन ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है इन मशीनों में, एप्पल की ऑल इन वन मशीन में प्रॉब्लम क्यों आती है? ये जो मॉडल है ये कम से कम भी मैं मान के चलूं 7 से 8 साल पुराना मॉडल है। तो 7-8 साल पुराना ये मॉडल है और इसमें आप देखोगे कितना धूल मिट्टी इकट्ठा हो रहा है। कभी कस्टमर ने ना सर्विस कराई, सर्विस क्यों नहीं कराते हैं इसको, क्योंकि ये गिलास में होती है ऐसे, ये देखो आप टफन, ये गिलास जो होता है इसमें होती है, इसको खोलना भी रिस्क होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस वजह से कस्टमर इसको खुलवाता हुआ डरता है और जो काम करने वाले भी होते हैं वे भी खोलते हुए डरते हैं। कारण यही होता है कि गिलास होता है, जरा सा भी खोलने पैक करने में चटक गया तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। पर आप ये सूरज कंप्यूटर पर आ सकते हैं तो अपनी सर्विस वगैरह ये सूरज कंप्यूटर इस काम को बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई होगी। प्रॉब्लम दो है, ये इसकी सप्लाई है, सप्लाई इसकी ओके हमने चेक कर ली है, ये इसका पूरा मदरबोर्ड है, तो इसके मदरबोर्ड के पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं सूरज कंप्यूटर एप्पल ऑल इन वन को। ये आप मशीन देखोगे ये हमारी सप्लाई है और कितनी गंदी हो रखी है। क्यों, कारण क्या है कि काफी टाइम से क्या, जब से ये मशीन ली है कस्टमर ने कभी इसको साफ ही नहीं कराया, सर्विस नहीं कराई। तो ये भी आप रखो कि जब आपके पास ऑल इन वन मशीन हो तो उसकी सर्विस टाइम टाइम पे कराते रहें। तो ये अब आप देखोगे हम इसका बोर्ड खोल रहे हैं, मदरबोर्ड, ये फैन है और इसके देखोगे आप स्पीकर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। ये फैन है इसका, ये आप देखो कितना गंदा हो रखा है। कि इन चीजों से बचने के लिए इसी वजह से हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आई है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। ये जो होते हैं ऑल इन वन मशीन बहुत ही ये आपकी होती है हैवी ड्यूटी मशीन होती हैं, बड़े हैवी मदरबोर्ड होते हैं, इतनी जल्दी इनमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तो जो कि रखा गया है केयरफुल नहीं रखते हैं। अब आपने देखा ये वीडियो में कितनी धूल मिट्टी वगैरह हो रखी थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये बोर्ड का इसका पूरा खोलना भी एक अपने आप में बहुत वो है, इसमें बहुत सारे स्क्रू लॉकिंग वगैरह होता है तो उसी को ध्यान से खोलना चाहिए, झटका वगैरह नहीं मारना चाहिए, बहुत प्यार से इसमें खोलना पड़ता है क्योंकि केबल वगैरह भी कनेक्टेड होती है, हमारी केबल वगैरह भी ख़राब ना हो जाए उसको भी बचा के रखना होता है। तो यदि हम झटका मारेंगे तो ये टूटने का चांस रहता है। ये आप देखोगे हमारा मदरबोर्ड बाहर आ गया है, इसको हम रिपेयर के लिए सेटअप पे लेके चलते हैं।